नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एम्प्लॉयर्स खबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले ग्रामीण डाक सेवकों से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है उसके बारे में। दोस्तों हम आपको स्क्रीन पर एक लेटर दिखा रहे हैं। दोस्तों ये लेटर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से जारी किया गया है 21/11/2019 को। दोस्तों ये लेटर जब AIGDS यूनियन ने जो डिपार्टमेंट को ग्रामीण डाक सेवक की जो जरूरी समस्या है और जो जरूरी मांगे है उनको लेकर लेटर लिखा था, उसी के जवाब में डिपार्टमेंट की तरफ से ये लेटर भेजा गया है, जिसमें ग्रामीण डाक सेवक की जो 7 सूत्रीय मांगे हैं उनको लेकर इस लेटर में बताया गया है। तो दोस्तों पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, इसमें जो ग्रामीण डाक सेवक ABPM है यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, उनका लेवल बढ़ाने की बात की गई है। उन सभी ग्रामीण डाक सेवकों को लेवल 2 के दायरे में लाया जाए, यानी कि जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो कि GDS पेकर मेल कैरियर और जो मेल डिलीवर होते हैं उनका जो सभी ग्रामीण डाक सेवकों को लेवल 2 के दायरे में लाया जाए। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, जो ग्रामीण डाक सेवक 5 घंटे से अधिक काम करते हैं उनको अतिरिक्त TRC दी जाए। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, जो ग्रामीण डाक सेवकों को रीजनल लेवल पर जो परेशान किया जाता है वो टारगेट के नाम पर उनको बोला जाता है कि आपको पेमेंट रोक दिया जाएगा अगर आपने टारगेट पूरा नहीं किया तो। उसके बारे में कहा गया है कि ग्रामीण डाक सेवकों को परेशान ना किया जाए। इसके अलावा चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं, जो ग्रामीण डाक सेवकों के TA और DA से लेकर जब भी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या RSCIT डिवाइस या दर्पण से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग होती है उसका आने जाने का ग्रामीण डाक सेवकों को किराया भत्ता नहीं दिया जाता है, इसी को लेकर यह चौथा पॉइंट है कि ग्रामीण डाक सेवकों को TA और DA दिया जाए। इसके अलावा पांचवा पॉइंट आप देख सकते हैं, ये ग्रामीण डाक सेवकों का ग्रुप इंश्योरेंस को लेकर है, जिसमें बहुत से ग्रामीण डाक सेवक ग्रुप इंश्योरेंस के केसेस आए हैं उस पर डिपार्टमेंट जल्दी एक्शन नहीं लेता, उसमें डिले करता है, इसी को लेकर यह पांचवा पॉइंट है कि ग्रामीण डाक सेवकों के ग्रुप इंश्योरेंस के केसेस को जल्द से जल्द सेटलमेंट किया जाए यानी कि जल्द से जल्द सोल्व किया जाए। इसके अलावा छठा पॉइंट आप देख सकते हैं, ग्रामीण डाक सेवकों के बर्निंग प्रॉब्लम्स को लेकर है, जो कि हैंडसेट डिवाइस दिए गए ग्रामीण डाक सेवकों को उसको लेकर है कि उनको ग्रामीण डाक सेवकों को हैंडसेट डिवाइस के रिगार्डिंग जो भी बर्निंग प्रॉब्लम है उनको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। इसके अलावा सातवां पॉइंट आप देख सकते हैं, ग्रामीण डाक सेवकों को टारगेट के नाम पर परेशान ना किया जाए, इसी को लेकर दोस्तों यह आदेश है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 7 सूत्र मांगे डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश जारी किया गया, यह लेटर आपको दिखा रहे हैं, AIGDS यूनियन को यह लेटर भेजा गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, जो 7 सूत्र मांगे हैं उस पर डिपार्टमेंट जल्द से जल्द एक्शन लेने वाला है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।